एडवांस में बहुत कंसेप्चुअल आता है, बहुत बढ़िया आता है, छोटी छोटी नब्स जो है वो पकड़ लेते हैं, उनको पता है कि बंदे ये इस बारे में नहीं सोचते होंगे। रोटी जैसे, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया देता हूँ, कितना प्यारा क्वेश्चन आया था ये, बिल्कुल बेसिक बात। अब इसमें पूछा हुआ था, ये चार ऑप्शन थे, पूछा हुआ था कि पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत शानदार, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन इन ऑल द पॉसिबल कंफर्मेशंस। तो ये क्वेश्चन पहले तो समझने में ही कि नया है, पर सारे कंसेप्चुअल बातें हैं। पहली चीज, सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए इन ऑल द पॉसिबल कंफर्मेशंस। अब अपने को ढूंढना था कि इसमें कंफर्मेशन कैसे बनेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कंफर्मेशन वाला टाइप का है नहीं। तो जिसको डीप में पता है कि कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है, जब सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करते हैं। अब वो बॉन्ड सिर्फ यही बचा है, और कोई यहां है ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड ये भी है, पर इसके अक्रॉस रोटेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपको सीसी बॉन्ड के अक्रॉस करना पड़ेगा। अब रोटेशन करके फिर सोचना पड़ेगा कि रोटेशन करूंगा मैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है, तो क्या सारे हमेशा सेम प्लेन में रहेंगे या नहीं, उसमें सारा विजुअलाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का, शेप का एंगल आ गया, राइट।